हाय, आई एम शेफ संजीव कपूर और संजीव कपूर के साथ में आप लोग हैं इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कुछ नई चीज़ सीखना और नई जो चीज़ है वो इतनी सिंपल है कि मतलब जैसे चिप्स बनाने, अब चिप्स बनाता कौन है आजकल, पैकेट खोलो और चिप्स खा लिए, लेकिन चिप्स जो हैं वो तो फ्राई होते हैं। लेकिन अगर फ्राइड चीज़ों की हम बात करेंगे फिर कहाँ, आजकल हेल्दी चीज़ों की बात हो रही है और हेल्दी चीज़ों में फ्राइड वगैरह कौन खाता है, तो इसलिए ओवन बेक्ड चिप्स और ये जो है एकदम हेल्दी भी, टेस्टी भी और कुछ अलग भी। क्यों? क्योंकि इसको मैं बनाने वाला हूँ पेयर्स के साथ में, और ये जो पेयर्स है ना, ये यूएसए पेयर्स, इसमें सोडियम तो होता नहीं है, उसके साथ साथ पोटेशियम में हाई है। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर को कम करने की ताकत रखता है ये, और इसको बनाने के लिए थोड़ा सा फ्लेवर भी देंगे इसमें। और इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो चिप्स हैं काटने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं, क्योंकि आजकल जो है ना ऐसे काटने वाली जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। तो ये आपने मैंडोलिन ले लिया, ये इस तरह से स्लाइसर जो है वो ले लिया, और उसके बाद आपने इसको स्लाइस करना है हाथ बचा के। ये देखिए ये जो स्लाइसेस हैं कैसे बढ़िया स्लाइसेस हो गए, एकदम महीन बारीक स्लाइसेस। ऐसे ही पतले पतले स्लाइसेस हमें चाहिए, और ये लेकर अब इसे हमने ओवन में पकाना है। तो ओवन जो है थोड़ा ठंडा, ठंडा मतलब कि एकदम नॉर्मल जो होता है काफ़ी गर्म ओवन रखते हैं, लेकिन ये जो है इसको बनाने के लिए आप ओवन को रखें करीब 120-130 डिग्री सेल्सियस पे। और ये मैंने एक देखिए एक शीट ली है ताकि ये आराम से इस पर सफाई से पके। तो उसके बाद में ये इसके ऊपर स्लाइसेस, और ये तैयार हो रहे हैं हमारे पेयर्स के चिप्स। तो देखिए पेयर्स जो हैं खाने में वैसे ही बड़े मज़ेदार होते हैं, लेकिन ये जो है ये खाने में बढ़िया, गार्निशिंग में बहुत काम आ सकते हैं, और थोड़ा यूनिक भी हैं। मतलब फ्रूट्स हम खाते हैं अलग अलग किस्म से खाए जा सकते हैं। तो ये जो है इसको हम खाएंगे बनाने के बाद। ओवन करीब 120 से 130 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमने बनाया इसमें आपने देखा कि अच्छी तरह से जो पेयर्स हैं साफ करके उसको सुखा के फिर उसे सिर्फ स्लाइस किया मैंडोलिन से, और उसके बाद रख दिया इसको ओवन के अंदर पतले पतले स्लाइसेस को। थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट भी हम देंगे, फ्लेवर भी देंगे। ये मेरे पास में एकदम बारीक वाली चीनी कैस्टर शुगर, तो ये जो है कैस्टर शुगर ले लेते हैं, और इस शुगर में डालते हैं हम थोड़ा सिनेमन पाउडर। ये देखिए ये हो गई सिनेमन शुगर, नाइस फ्लेवर, बहुत बढ़िया फ्लेवर। इसको जो हमने ओवन के अंदर रखा है लो टेम्परेचर पे कुछ देर, करीब 5 से 7 मिनट जब ये हो जाए इसमें, तब उसको निकाल के ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल करना है। अच्छा, कुछ देर बाद क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब इसको हम डालते हैं उसके अंदर ओवन के अंदर तो हीट से उसका जो मॉइस्चर है वो निकलना शुरू हो जाता है, और वही हम कर रहे हैं, सुखा रहे हैं इसको, चिप्स बना रहे हैं इसके। और जब ये इसमें से मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाता है उस समय जब चीनी और ये डालते हैं इसके ऊपर तो वो अच्छी तरह से पकड़ लेता है, बहुत अच्छी तरह से उस पर रह जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे और मॉइस्चर निकलता जाएगा, चीनी पिघलेगी, थोड़ा मॉइस्चर बढ़ेगा, लेकिन फिर कम होना शुरू हो जाएगा और करीब 20 मिनट के अंदर वो तैयार हो जाएगा। हाँ, नज़र ज़रा ओवन पे रखें क्योंकि पतले एकदम स्लाइसेस हैं, जो चिप्स हैं एकदम पतले हैं, और अगर ज़्यादा हो गए तो जल सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आपको लगे कि अब इसका रंग हल्का लाल होना शुरू हो गया है तब निकालें, ठंडे होंगे तब जाके क्रिस्प होंगे, जब गर्म होंगे तो सॉफ्ट एंड प्लायबल होंगे, लेकिन थोड़ी देर ठंडा होने के बाद बढ़िया एकदम क्रिस्प हो जाएंगे। जी हाँ, ये जो क्रिस्प है कोई ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं हमारा डोसा क्यों नहीं क्रिस्प होता, हमारे चिप्स क्यों नहीं क्रिस्प होते। तो देखिए हर चीज़ में आपको टेक्निक, स्किल, एक्सपीरियंस तीनों चीज़ें ज़रूरत होती हैं, और एक बार नहीं होगा दूसरी बार हो जाएगा, पता चलेगा आपको कि क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान से सुना कीजिए। मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ कि जो फूड जो चैनल है उनके घर पर चलता रहता है 12 घंटे, रेडियो की तरह चला के रखते हैं कि अच्छा लगता है, पीछे आवाज़ आती है, पर जब कोई चीज़ सीखनी है ना तो सामने बैठ कर ध्यान से देखिए, क्योंकि रेडियो में गाने तो सुन लेते हैं, इसमें भी आइडिया आ जाते हैं, लेकिन अगर अच्छी तरह से सीखना है थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिए।
देखते हैं अभी हमारे चिप्स का क्या हाल है। ये लीजिए, अब बारी आ गई। आप देखिए इसमें से कैसे धुआं निकल रहा है। लुक एट दिस, ऊपर से मॉइस्चर निकलना शुरू हो गया और थोड़ा सा इसको स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर सिनेमन और चीनी। और फिर इसको अब हम एक बार फिर रख देंगे अवन के अंदर। लो टेम्परेचर करीब 120-130 डिग्री सेल्सियस। इसको इसी तरह से करने दें, इसी तरह से पकने दें, बेक होने दें। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको खाने में ही मज़ा आता है, एज ए गार्निश बहुत अच्छा लगता है। आपने केक पेस्ट्री बनाई, उसके ऊपर ये पेयर का क्रिस्प रख दिया, कोई भी डिज़र्ट के साथ में खाने में किसी तरह से ये जो है गार्निश के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। कोई प्लेट आपने बनाई उसमें इसको रख दिया, सैलड के साथ में रख दिया, तो बहुत वर्सेटाइल चीज़ है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने बना के रखे हैं, बनाने में बिल्कुल आसान है। बना के एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि ये सॉफ्ट नहीं हो। ख़ासतौर से जब मुंबई वगैरह में रहते हैं ना, तब ऐसी जो चीज़ें हैं बड़ी जल्दी क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होती हैं तो मॉइस्चर गेन कर लेते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उससे बचना है। एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें। और वैसे बनने के बाद में इतने लाइट हैं पता ही नहीं चलता है। हेल्दी चिप्स हैं, कुछ चिप्स ऐसे होते हैं जिसको खाते समय लोग मना करते हैं, चिप्स अच्छी बात नहीं है। ऐसे चिप्स खाइए, ढेर सारे खाइए, खूब सारे खाइए। पेयर चिप्स बनाने के लिए अवन को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। यूएसए पेयर के पतले पतले स्लाइसेस करें। एक बेकिंग डिश को सिलिकॉन मैट से लाइन करें और उस पर पेयर के स्लाइसेस रखें। फिर ट्रे को पहले से गर्म किए हुए अवन में रखें और 5 से 7 मिनट तक बेक करें। एक बोल में कैस्टर शुगर और दालचीनी पाउडर मिलाएं। अवन से हाफ बेक्ड पेयर स्लाइसेस निकालें, पलटें और ऊपर से दालचीनी शुगर का मिश्रण छिड़क कर वापस अवन में रखें और 5 से 6 मिनट तक कुरकुरा होने तक बेक करें। अवन से निकाल कर ठंडा करें और तुरंत परोसें।